हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैक्सिंग के बारे में। चॉकलेट वैक्स, कैसे चॉकलेट वैक्स के थ्रू आप घर में ही आपका खुद का हेयर रिमूव कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है स्लीक चॉकलेट वैक्स, इसी के बारे में मैं आज आपसे रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारा वैक्स स्ट्रिप भी यूज़ किया है, चॉकलेट वैक्स भी यूज़ किया है, लेकिन ये मुझे बजट में बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट लगा, इसलिए आपसे शेयर करने वाली हूँ। 600 ग्राम का क्वांटिटी आता है और आता है 160 रुपये में, काफ़ी बजट में है। और इसके साथ मैंने लिया था एक स्ट्रिप, ये 50 रुपये का अलग से लिया था, साथ में नहीं, 50 रुपये का आता है, काफ़ी सारा रहता है। और ये एक नाइफ वैक्सिंग के लिए, ये तीनों चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं बता देती हूँ कि इसका इंग्रेडिएंट वगैरह क्या है। इसका इंग्रेडिएंट है शुगर, वाटर, साइट्रिक एसिड, चोको पाउडर, ये चार इसका इंग्रेडिएंट है। और हार्मफुल वैसे कुछ है नहीं और मेरे स्किन में इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट आया भी नहीं। तो ये दावा करता है कि इसको यूज़ करने से आपका हेयर तो रूट से रिमूव होगा ही, उसके ऊपर आपको एक ब्राइटनिंग स्किन मिलेगा, आपका टैन रिमूव होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसको यूज़ करके मैं आज आपको लाइव डेमो दूंगी कि कैसे और कितना, कैसे इसको यूज़ करें और कितना इससे टैन रिमूव होता है, या टैन रिमूविंग के लिए आपको कुछ दूसरा भी यूज़ करना चाहिए, या आप खुद से ही डिसाइड करेंगे। और अगर आप टैन रिमूविंग के लिए कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करना भी चाहते हैं तो मेरे पास टैन रिमूविंग के लिए सजेस्टिव कुछ है। अगर आप लिस्सी दोस्तों, क्या अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, लाइक्स और शेयर वगैरह बढ़ता है तो मैं ज़रूर आपके साथ, या आप लोग कमेंट में जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर करूँगी अलग से वीडियो बना के। तो अभी के लिए देख लेते हैं कि स्लीक क्या प्रोडक्ट हम लोगों को कितना फ़ायदा देता है, लेट्स सी दोस्तों। दोस्तों मैंने ये एक सॉसपेन में इसको गर्म होने के लिए बिठा दिया है, गैस ऑन है, और ये सॉसपेन जो है, मैं आधा सॉसपेन पानी लिया है, उसके ऊपर ये वैक्स का जो बॉक्स है वो मैंने डाल दिया है। जब पानी बॉयल होगा तो अंदर का वैक्स भी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, ये अभी स्टिप है, मेल्ट हो जाएगा, तब हम लोग इसको गैस ऑफ कर देंगे। हेलो दोस्तों, देखिए अभी मेरा हमारा वैक्स गर्म हो गया है, मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। देखिए मेरे हाथ में काफ़ी ग्रोथ है, मैंने बहुत दिनों से वैक्सिंग किया नहीं है। तो पहले क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर है वो आपके स्किन में लगा लेना है, क्योंकि हमारे स्किन में जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होने से वैक्सिंग में प्रॉब्लम होता है। तो आपकी स्किन को पहले ड्राई कर लीजिए पाउडर लगा के, उसके बाद वैक्स थोड़ा सा ऐसे वैक्स उठाइए नाइफ से, ऐसे लगा लीजिए। ये जो स्ट्रिप है ठीक से दबा के इसको लगाइए, और ये जो हाथ है इसको थोड़ा टाइट रखने की कोशिश कीजिए, तो आपके हेयर्स अच्छे रिमूव होंगे। एक चांस में ऐसे कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं हेयर काफ़ी रिमूव हो गया है, जिस जिस एरिया में लगा हुआ है उसमें रिमूव हो गया है। ऐसे आपको धीरे धीरे पूरे हाथ का हेयर रिमूव करना है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो करना है आपको, थोड़ा गर्म पानी से, हाँ ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हेयर रिमूव हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैन रिमूव हुआ कि नहीं है। आप गर्म पानी से इस कॉटन के कपड़ा से आप इसको पोंछ दीजिए, और तुरंत कोई मॉइस्चराइज़र आपके स्किन में लगा लीजिए। एक मॉइस्चराइज़र का वीडियो जो हमने दिया हुआ है वेनुसिया का, उसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लेना वीडियो, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। कोई भी मॉइस्चराइज़र से
आप यहाँ पे मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो ये पूरा ड्राई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये टैन कितना रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है, उतना भी टैन रिमूव नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बतावा करता है कि टैन रिमूव होता है, लेकिन थोड़ा सा ही रिमूव होता है, बस हेयर थोड़ा रिमूव हो जाता है और थोड़ा ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी आता है स्किन में। लेकिन अगर अलग से आपकी स्किन को डिटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास भी सजेस्टिव प्रोडक्ट है, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग ये इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ज़रूर मैं वो प्रोडक्ट को भी आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।